अब्दुलहमीद ने एक और कंपनी से बोली में शामिल होने के लिए कहा है। उसका मालिक तुर्क है। इसका मतलब है कि ये बोली वो ही जीतेगा। बगैर तार वाला टेलीग्राफ निजाम, उसका ठेका आप आइजैक फर्नांडिस को दिलवाएंगे। जैसे ही आप इस काम को सर अंजाम देंगे, खतरे के बादल आपके सर से छट जाएंगे। अब हमारे पास दिल के उस हिस्से को काटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसमें अब किसी के लिए मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। आप यहां रहेंगी तो ना खुश रहेंगी। रियासत के लिए तो हम नुकसान भी बर्दाश्त कर लेंगे, ये बोली हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर हम ये ठेका आइजक फर्नांडिस को दे दें तो वो इतराफनामा आपको कैसे देंगे? ये उसने मुझे नहीं बताया। ये मालूम कीजिए, हम मरहला वार हर चीज का जायजा लेंगे। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारा अजीज भाई खुद तुम्हें मारेगा। तुम तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और मैंने कहा था ना कि आसिफ का नाम अपनी जुबान से नहीं लेना। सुल्तान मौसम, इजाजत दीजिए कि मैं मैसन पाशा को आपके सामने पेश करूं। हम ये काम तहसीन पाशा के साथ मिलकर करेंगे। मैं मैसन पाशा के पास एतराफनामे का पैगाम पहले ही पहुंचा चुका हूं। मैसन पाशा एतराफी खत आपको दे देगा, मगर पहले हम ये देखेंगे कि अब्दुल हमीद राजी हुआ भी है या नहीं। वो नहीं जानता कि मैसन पाशा कौन है, क्योंकि मैसन पाशा ने अपने आप को उससे भी छुपा रखा है। अगर हम वजीर आजम साहब वाले मंसूबे को जारी रखते हैं तो हम मैसन पाशा तक पहुंच सकते हैं। देखिए ड्रामा सीरियल सुल्तान अब्दुल हमीद सीजन 5।